तो एक और दिन है अपना इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर, एंड फिर से लगता है आज भाई एकदम खूबसूरत मौसम है। वैसे इस गेम में मौसम ख़राब होता ही नहीं है भाई, एकदम बढ़िया सा मौसम रहता है। ये देखो खिला खिला आसमान है, एकदम नीले नीले बादल है, घर के सामने ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं भाई ठंडे पानी में नहाने के साथ। यस, वो बात अलग है, मेरे बैग में रखा हुआ सारा सामान गीला हो चुका होगा। कोई बात नहीं, कपड़े बदल लेंगे भाई, अपने पास कपड़े के भी बहुत ऑप्शन है। ऊपर सूरज मस्त चमक रहा है, मैं तुम्हें कपड़े के ऑप्शन दिखाता हूँ भाई, एक सेकेंड। जस्ट लुक एट दिस भाई, मेरे पास शर्ट, ये देखो कैमोफ्लॉज शर्ट है, इसके अलावा वाइट कलर की शर्ट है, ये बढ़िया लग रही है भाई शर्ट। टोपी एक पहन लेते हैं, शॉर्ट्स पहन लेते हैं भाई, ये वाले ग्लासेस हो जाए, मास्क हो जाए मुंह पे, मास्क ज़रूरी है गाइज आज, क्योंकि मैं एक बहुत ही ख़तरनाक टास्क करने वाला हूँ इस गेम के अंदर। फिलहाल बैग हटा दो भाई, बैग रहने दो, दूसरा बैग। और ये तो बिल्कुल ही ट्रैवल वाला बैग हो गया, नहीं चाहिए बैग। हाँ अभी बढ़िया है। तो मैं कह रहा था भाई आज मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेहरे पे, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही एपिक टास्क करने वाला हूँ इस गेम के अंदर, और वो टास्क है एक फरारी चुराना। मुझे मेरे खतरनाक वाले सोर्सेज से ये पता चला है कि इस गेम के अंदर ये जो शहर है, पता नहीं शहर का नाम क्या है, जो भी शहर का नाम हो, इस शहर में भाई एक बहुत ही रिच बंदा है एंड उसके पास फरारी है यार। वैसे फरारी लाने को मैं चीट कोड्स वगैरह से भी ला सकता हूँ, बट किसी दूसरे अमीर बंदे की फरारी चुराने का अलग ही मजा है यार। एंड मेरे को ये पता चला है उसकी फरारी काफी ज्यादा रेयर है, एंड काफी चोरों ने कोशिश की है उस फरारी को चुराने की, लेकिन जब भी कोई गया पुलिस वालों ने पकड़ लिया है भाई। तो मैंने सोचा अरे वाह, काफी चैलेंजिंग टास्क लगता है, चलो चलते हैं जरा फरारी चुराने, देखते हैं हमें कौन पकड़ता है। तो चलो गाइस रेडी हूँ मैं फरारी के लिए आज। बाकी मेरे पास एक KTM है, एक बंदा इधर स्टंट करके दिखा रहा था यार घर के सामने, दो झापड़ मार के मैंने छीन ली उसकी KTM। अब इसी से जाऊंगा फरारी चुराने के लिए। बाकी अपना घर है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम शायद दिखाया ही था, और ऊपर की तरफ जिम है। कपड़े वपड़े बदल लिए हैं, नहा वहा लिया है, जिम क्या ही करना है, जिम फिट तो हूँ मैं, इतनी बढ़िया बॉडी है और क्या ही चाहिए जिंदगी में। चलते हैं अपनी KTM लेके भाई, पुलिस वालों से पंगे होने के फुल चांसेस है, इसलिए मैंने वेपन्स वगैरह रख लिए अपने साथ। खैर यहाँ पर ये रही अपनी KTM, लेट्स गो भाई लेट्स गो। वो बंदा लिटरली मैं यहीं पर घर के आगे स्टंट कर रहा था, यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ मैं इधर की तरफ भाई, फुल स्पीड में आगे वाला कभी व्हीली कर रहा कभी स्टॉप ही कर रहा। मैंने उसको दो थप्पड़ मारे एंड छीन ली उसकी बाइक। खैर ये जेल है क्या? ओ एयरपोर्ट है, काफी बड़ा एयरपोर्ट। खैर हमें इधर नहीं जाना है, जिस घर पे हमें चोरी करनी है, जिस घर पे हमें फरारी चुरानी है, वो घर इधर की तरफ है। तो लेट्स गो, निकल लेते हैं भाई उस घर की तरफ फुल स्पीड में। अबे ये रोड नहीं है, अबे ये रोड नहीं है, ये कहाँ लेके आ गया मैं अपनी KTM? अबे ये रोड तो है ही नहीं, एक सेकंड रोड पे चलते हैं यार, किधर चला रहा हूँ मैं ये गाड़ी फरारी। ये देखो ऐसे स्टंट कर रहा था वो नालायक, छीन ली मैंने उसकी KTM। ये मैं उधर चल रहा है यार, मैं क्यों भटक रहा हूँ उस रास्तों से, सही जाऊँगा मैं तभी पहुँचूंगा उस अमीर बंदे के घर। आ रहा हूँ मैं तेरी फरारी लेने लौंडे, तू रुक रुक जा भाई, मैं आया तेरी फरारी लेने के लिए। सीधा चलते हैं, सीधा फुल स्पीड में आ जाओ भाई। कौन सी गाड़ी? ऑडी, पीछे छोड़ दिया लैम्बोर्गिनी, पीछे क्या वो तो सामने से आ रही है। ये कौन सी सस्ती वाली बुगाटी? पीछे छोड़ दिया मैंने इसे भी। रफ्तार देख रहे हो तुम लोग इस KTM की, एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड। वैसे जिस बंदे के घर हम लोग चोरी करने जा रहे हैं उसका घर बीच के आजू बाजू है, आस पास बीच है यार, ठीक है समझ गए, याद रहेगा रास्ता। वैसे इधर मस्त वाले स्टंट चैलेंजेस है, अगर स्टंट चैलेंज हिट करते हुए चले क्या ज़रा एक सेकंड इस वाले स्टंट को मैं ज़रा ट्राई करता हूँ कंप्लीट करने का, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलेंगे ओ नो, देखो देखो ऐसे स्टंट कर रहा था वो बंदा जैसे मैं कर रहा हूँ इस वक्त अपनी KTM से। वैसे ही रुमाल कैसा लग रहा है यार जो मैंने मुँह पे बांधा है, वो हवा में उड़ भी नहीं रहा है, वो पत्थर का रुमाल लग रहा है। खैर यहाँ पर थोड़े से स्टंट्स करने की बारी है, मैं तुम लोग बता दूँ स्टंट में चैम्पियन हूँ मैं GTA 5 के अंदर, बट इस गेम के अंदर शायद नहीं। रुको मैं कर दूंगा भाई, आराम से कर दूंगा। यहाँ से लेकर आते हैं वंस अगेन KTM, घुमाई अपनी, सीधे चलो भाई इधर की तरफ, बढ़िया। यहाँ से चलो भाई राइट साइड में, बहुत ही बढ़िया, देन अगेन राइट साइड में, बहुत ही शानदार। उसके बाद अगेन राइट साइड में, अरे इजी है बिल्कुल। ओ नो, पीछे बस बच गया भाई, अभी गिरते सबसे नीचे। ओके बढ़िया, देखो आसान तो है लेकिन प्रिसाइजली करना पड़ रहा है। ज़्यादा स्पीड में अगर मैं गया, एक KTM वैसे ही बार बार अपने आप ही व्हीली मोड में चली जाती है तो गड़बड़ हो सकती है।
ओके अरे लेकिन मैं तो फरारी चुराने जा रहा था, मैं इधर कहाँ फंस गया। रुको यार, अब 50% कंप्लीट कर ही लिया तो 100% कंप्लीट कर ही देते हैं इस चैलेंज को। ओके इधर, बहुत ही बढ़िया, कितना बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ मैं स्टंट चैलेंज। क्या बात है भाई, क्या बात है। टॉप कितनी हाइट पे है, अभी तक पहुँचा नहीं मैं। शायद एक आध राउंड और मारने होंगे, उसके बाद पहुँच जाऊँगा मैं। ओके एक और राउंड एंड शायद अब फाइनली टॉप पे आ गया हूँ, क्योंकि देखो भाई तुम लोग हाइट देखो कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आ गया हूँ मैं। कितना ऊंचा है टॉप भाई, जल्दी पहुंचा दो मेरे को। ओ नो 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 नो, अभी नीचे जाता मैं। ओके थोड़ा सा और, नाइस नाइस, ओके बहुत ही बढ़िया। अबे कितना ऊंचाई पे है ये टॉप भाई, कब से चढ़ा रहा हूँ मैं, ये बाइक चढ़ी ही नहीं रही। मेरे को फरारी लेने भी जाना है भाई, चढ़ाने दो फटाफट। अब नीचे कैसे जाऊँगा लेकिन, फिर मैं यहाँ से नीचे जाने में मर ना जाऊँ मैं। ओ फाइनली यस गाइस, टॉप पे पहुँचने वाला हूँ मैं। हियर वी गो, लेट्स गो। आ गए भाई आ गए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, क्या बात है। ओके नाइस, फाइनली वी आर ऑन द टॉप गाइस। अब बस जंप लगाते हैं जल्दी से यहाँ से। चलो भाई मर ना जाऊँ बस मैं, मर ना जाऊँ बस मैं। एंड हियर वी गो, फुल स्पीड। एंड कहीं आगे लैंड भी करना है क्या? नहीं, कहीं लैंडिंग करनी तो नहीं है, लेकिन मैं इधर कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा मैं। एंड यहाँ पर गिर गया भाई, प्लीज़ हेल्थ लो नहीं। ओके बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। मेरी बाइक ना गायब हो गई हो, वो गायब हो जाती है इधर गाड़ियाँ। नहीं नहीं, बाइक गायब नहीं हुई। चलो भाई मैं किधर जा रहा था, अब कौन से रास्ते पर जा रहा था मैं, तो रास्ते भटक गया भाई। शायद उस रास्ते पर, हाँ ये वाला रास्ता था, वो सामने वाला, ये वाला रास्ता था भाई। इसको फॉलो करते हैं, सीधे चलते हैं, फरारी लेकर आते हैं। वैसे देखो इधर सड़कों पे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन फरारी नहीं दिखती हैं यार, जिस गाड़ी के लिए हम लोग जा रहे हैं। मतलब रेयर तो है वो, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो ऑडी दिख गई सामने, एक बुगाड़ी दिख गई, एक और बुगाड़ी सस्ती सी दिख गई। ओके वो रहा उस बंदे का घर, ये रहा गाइस उस रिच वाले बंदे का घर। एंड अभी सिंपली हमें बुगाड़ी चुरानी है, लेट्स गो। अबे यार इधर तो बंदे घूम रहे हैं, हाँ तो बंदों से डरते हैं क्या? वो ये रही बुकाटी, नहीं फरारी, फरारी चुरानी है। मैं बुकाटी क्यों कह रहा हूँ? आगे काम करते हैं, स्केटियम को इधर लगा देते हैं। कोई गार्ड वार्ड नहीं है भाई, सिंपल है, आराम से हो जाएगा ये टास्क, ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। फरारी मिल गई, फरारी भाई। कोई है तो नहीं इधर गार्ड वार्ड? हेलो इज एनीवन आउट देयर? नहीं लगता तो नहीं है कोई है यहाँ पे घर के अंदर। सीसीटीवी तो होगा नहीं इस गेम के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। मज़े आ गए, कोई होगा तो खोपड़ी उड़ा देंगे। ओ नो, गोली चलाते ही पुलिस। ओके ओ नो, भागो भाई, मैं कह रहा था पुलिस का लफड़ा हो सकता है। गोली चलानी जरूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मजे मजे में चला दी भाई। भागो पुलिस वालों, मेरी गाड़ी मत तोड़ना बस तुम लोग, बाकी जो कुछ करना है तुम्हें कर लो। 3 स्टार की पुलिस लग गई है भाई सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एस्केप कर जाएंगे भाई। अरे GTA 5 में 5 स्टार की पुलिस कभी कुछ मेरा बिगाड़ ही नहीं पाई, तो 3 स्टार की पुलिस क्या ही बिगाड़ लेगी। वैसे इसमें मैक्सिमम कितने स्टार की पुलिस लग सकती है? ओ नो मेरी फरारी ये लोग तोड़ने लग गए हैं भाई। नहीं मेरे को पूरी कोशिश करनी है कि मैं अपनी फरारी ना तोड़ूं भाई। बोनट उसका उखड़ गया है, खैर एक दरवाज़ा भी उखड़ गया, बट कोई बात नहीं, वो सब तो रिपेयर हो जाएगा। मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मेरी फरारी ना टूटे किसी भी हालत में। भागो भाई, 3 स्टार की पुलिस से एस्केप करना पता नहीं कितना डिफिकल्ट है, मैं तो फर्स्ट टाइम एस्केप कर रहा हूँ भाई, वो भी 3 स्टार की पुलिस से। केस के नीचे छुप सकता हूँ क्या मैं? पुलिस वाले आ जाएंगे यहाँ तक? मस्त गुफा है यार ये तो। हेलो पुलिस वालों, तुम लोग यहाँ भी आ जाओगे? पता नहीं भाई, नज़र तो नहीं आ रहे। गाड़ियों में टूटने फूटने की आवाज़ आ रही है, लगता है वो आ गए हैं, लेकिन वो रैंप के ऊपर चढ़ा रहे हैं भाई गाड़ियाँ, उन्हें क्या पता मैं तो नीचे हूँ। ओए आ गया, पीछे एक पुलिस वाला दिख गया गाइस, वो आ गया है, एक आ गया है, वो रहा गाड़ी में बैठा है। ये गाड़ी में बैठे बैठे गोलियाँ चला रहे हैं क्या? पता नहीं क्या सीन है, 3 स्टार से कैसे बचूँ मैं? भगाओ भाई गाड़ी, भगाते जाओ बस, रोको मत कहीं भी गाड़ी, यही सीन है 3 स्टार की पुलिस से एस्केप करने का। मेरी फरारी का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। ओके किधर जाऊँ मैं आखिर, जाऊँ तो जाऊँ किधर मैं? ओके 3 से 2 स्टार हो गई भाई पुलिस, बढ़िया, अब 2 से बस 1 स्टार हो जाए, मज़ा आ जाएगा। ओ नो मेरी फरारी का और बुरा हाल होता हुआ। प्लीज़ ब्लास्ट नहीं, फरारी भाई अभी भी रिपेयर हो सकती है, वो बात अलग है भाई, कुछ ज़्यादा खर्चा आएगा रिपेयरिंग का। अब आप पुलिस वाले तो बिल्कुल ही छोड़ ही ना रहे भाई, वो देखो बिल्कुल ही पूँछ पकड़ के चल रहा है वो तो। भाई भगा रहा हूँ मैं गाड़ी, जो होगा देखा जाएगा, गाड़ी ब्लास्ट होती है होने दो। लेकिन आज तो गए ये पुलिस वाले, आ जाओ बंदा, मैं तो पकड़ के दिखाती हूँ, मैं तो रेंज रोवर लेके आया ना पुलिस वाले, तो पकड़ के दिखा मेरे को, आ जा दा, मैं तो टच करके दिखा दे, टच करके दिखा दे बस। रेंज रोवर लेके भी तो फरारी को नहीं पकड़ पा रहा, फरारी तो फास्ट है, आ जा ना। 2 स्टार से 1 स्टार भी तो नहीं हो रहा, ये कितनी तेज और गाड़ी भगाऊँ मैं,
पीछा ही नहीं छोड़ने को तैयार भाई। ओके गया वो पीछे, छूट गया लगता है। यस डेफिनेटली काफ़ी पीछे छोड़ दिया मैंने उसे। कौन सा इलाका है, जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है भाई। ओह रेलवे लाइन है ये तो, रेलवे ट्रैक। हट जाओ, टू स्टार ही है अभी भी। छोड़ा नहीं यार पीछे इन लोगों ने, पीछा छोड़ दो भाई मेरे। सामने की तरफ ट्रेन है एंड यहाँ पर टू स्टार से वन स्टार हो ही गए फाइनली। अब वन स्टार कब हटेगा वो देखने वाली बात है। इधर ही खूबसूरत से पहाड़, गाड़ी चल रही है बिंदास, ट्रेन ही है डेफिनेटली। एंड ये एक झील है मे बी, और वो क्या है, एक बड़ा सा रैम्प, गेट है, जुरासिक पार्क। अरे वाह यार, इसमें डायनासोर वगैरह होंगे मुझे लग रहा है। खतरनाक हो सकता है, बाद में कभी चलेंगे भाई जब खूब सारे वेपन एंड तगड़ी गाड़ी होगी। पता चला मैं डायनासोर्स के बीच गया एंड मेरी फरारी बंद हो गई, तब क्या हाल होगा मेरा। इसलिए मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता यार। ओके चलो भाई, यार इधर भी पुलिस वाले हैं। लगता है भाई इन द एंड जुरासिक पार्क के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पुलिस वाले तो पीछे छोड़ने नहीं वाले हैं। ओह नो, मैं निकल रहा हूँ भाई इसके अंदर ही। पुलिस वाले बताओ भाई उधर। ओह नो ये आ गए। यस डेफिनेटली मैं जा रहा हूँ भाई जुरासिक पार्क के अंदर जा रहा हूँ, वरना ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे मेरे को। मेरी गाड़ी में बहुत तेज टक्कर मारी है भाई उस पुलिस वाले ने। मैं चला जल्दी से गेट बंद हो जा भाई प्लीज़, गेट ऑटोमेटिक। यस ओके मैं आ तो गया भाई इधर पुलिस वालों से बचने के चक्कर में। पता नहीं इधर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, बहुत बड़ा पार्क है ये। बट पुलिस वालों से बचने के लिए कहीं तो जाना ही था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। एंड अभी एक स्टार ने भी पीछा छोड़ गया है। अबे इसे क्या हो गया, अबे गाड़ी को क्या हो गया। ये गाड़ी अलग ही बंद पड़ गई है भाई, पता नहीं क्या सीन है इस गाड़ी का। जो भी हो, वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी निकलेंगे भाई इस वाले जुरासिक पार्क से नेक्स्ट वाले एपिसोड में। वैसे फरारी मिल गई वो बात अलग है, बंद पड़ गई, लेकिन इसको रिपेयर कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।